गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी गैन। दोस्तों, आज मैं फिर दोबारा आपके पास हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद बीच में कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं आपके सामने नहीं आ पाया, तो सॉरी फॉर दैट। तो उम्मीद करता हूं कि आगे आपके सामने अभी मैं आता रहूँगा। तो आज का जो विशेष कहना जानकारी है वो मैं बताऊंगा कि कैसे मटेरियल इन रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, कैसे अगर सामान आएगा कुछ तो उसको कैसे आप अंदर करेंगे, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे कहना उसका पूरा जो कार्रवाई है वो करेंगे, इसके ऊपर पूरा जानकारी दूंगा। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा वीडियो है उसको देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिले। और साथ में जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जो घंटी का बटन है उसको आप दबाइए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको पहले ही देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो आज का विषय है वो है मटेरियल इन रजिस्टर, अगर कुछ सामान आता है तो उसको कैसे हम अंदर करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे उसको पूरा जो कार्रवाई है उसके ऊपर वो कैसे करेंगे, उसी के ऊपर मैं जानकारी दूंगा। क्योंकि ये दोस्तों, जो मैंने पिछला वीडियो मटेरियल कंट्रोल के बारे में जो वीडियो अपलोड किया था उसका मैं लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो किसी दोस्त ने बताया था कि मटेरियल इन रजिस्टर में क्या क्या कॉलम्स होता है और उसका पूरा जो कार्रवाई है उसके ऊपर पूरा जानकारी देने के लिए, तो मैं दोस्तों उसी के रिक्वेस्ट के अनुसार मैं आज इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ज़रूर इस वीडियो से आपका बहुत ही लाभ होगा, आप पूरा देखिए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, कुछ भी सामान अगर आता है तो गाड़ी में अगर कुछ सामान आता है तो उसका फिर गाड़ी को जो है बिल्कुल पहले अंदर नहीं करना है, उसको गेट के बाहर ही रोकना है, और उसका जो चलान है उस चलान को आपको लेना है। तो चलान में आप देखिए पहले क्या सामान आया, कहाँ से आया, इसका पूरा देखने के बाद आप सीनियर को इन्फॉर्म कीजिए, उसी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसी का जो मैनेजमेंट है उसको आप इन्फॉर्म कीजिए कि जो सामान आया उसका पूरा डिटेल्स आप बताइए। उसके बाद उनका परमिशन है तभी आप जो नेक्स्ट जो एक्शन है उसको कीजिए। तो उसके बाद अगर परमिशन आपको मिला तो फिर आप पूरा जो चालान है, चालान को देख के उसको पूरा जो गाड़ी है उस गाड़ी को आप पूरा चेक कीजिए विद दैट चालान, चालान के साथ जो चालान में जो आइटम है उस आइटम को भी पूरा जो है आप चेक कीजिए सही है कि नहीं। अगर सही है तो ओके, अगर सही नहीं है, अगर आइटम अगर आपको कम मिले या ज़्यादा मिले तो उसका जानकारी जो है आप बिल्कुल तुरंत जो है आप सीनियर को दे दें। तो सीनियर जो है आप परमिशन लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तभी जाके आप जो है दूसरा जो एक्शन है उसको आप शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर परमिशन हो गया, आइटम्स बहुत सब कुछ ठीक ठाक है, देन आपको जो है चालान है उसको बिल्कुल पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। जो रजिस्ट्रेशन होता है जिस रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है उसका नाम जो है वो मटेरियल इन रजिस्टर, जो कि सामान जो आते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होता है। तो दोस्तों, उसमें जो कॉलम्स क्या क्या है मैं आपको बाद में मेरा कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलूँगा, उसमें पूरा मैं दिखाऊँगा कि कौन सा कॉलम है उसमें और कैसे कैसे उसको फिल किया जाता है, भरते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो है आप चालान जो है चालान के अनुसार जो रजिस्ट्रेशन में आप लिखिए क्या क्या लिखना है मैं उसमें दिखाऊँगा। तो उसके बाद आप गाड़ी को जो है गाड़ी चेक करने के बाद आप उसको अंदर कीजिए। तो गाड़ी एक तो सामान चेक होगा, दूसरा जो है गाड़ी फुल चेक होगा, जब अंदर जाने के लिए गाड़ी पूरा जो गाड़ी जो व्हीकल चेकिंग है मैं इसका भी वीडियो अपलोड किया, अगर आप उसको भी अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, अभी जो फिलहाल एक्शन है, तो आपने जो गाड़ी अंदर किया, जो सामान है अगर उस सामान को अगर वेट करना है तो उसको वेइंग ब्रिज में आपको भेजना है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी जो है पूरा जो वेइंग करते टाइम पूरा प्रेजेंट रहेगा और पूरा जो है तो उसको देखेगा कि कितना वेट है क्या नहीं है, उसको पूरा रिकॉर्ड रखेगा और उसको सीनियर को आप बताएंगे। तो इसी के बाद जो है वो सामान जो है कहाँ पे अनलोड होगा
वो आपको बिल्कुल पहले से ठीक होना चाहिए, तय होना चाहिए। सीनियर को मतलब क्या, सीनियर से पूछ के कहाँ अनलोड होगा उसको अनलोड करना है। तब तक मतलब जब तक आप वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे जब तक पूरा जो है अनलोड नहीं हो जाता है। तो दोस्तों ये अनलोड के बाद गाड़ी जो है विदाउट परमिशन, जब तक आपको स्टोर ऐसी परमिशन नहीं देता है, जब तक आपको मैनेजमेंट से परमिशन नहीं मिलता है गाड़ी को, तब तक आप बाहर नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों अगर परमिशन हो जाता है तो उसके बाद जो है गाड़ी का जो गेट पास है, गेट पास आपको चेक करना पड़ेगा, गाड़ी चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप गाड़ी को फिर दोबारा जो है आप बाहर छोड़ेंगे। तो गाड़ी छोड़ने के टाइम गाड़ी को फिर टोटल फिर चेक करना है। चेक करके उसके बाद आप इंश्योर होंगे कि कुछ अंदर का जो सामान है वो बाहर नहीं जा रहा है। तो इसलिए गाड़ी पूरा थॉरली चेक होगा, उसके बाद ही जो है गेट पास चेक होगा, उसके बाद परमिशन फिर भी आपको जो सीनियर है उनसे पूछ लीजिए कि गाड़ी को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। तो गाड़ी अगर परमिशन हो गया तो फिर गाड़ी का जो इन किया था उसको इन टाइम आउट टाइम डाल के सिग्नेचर करके फिर उसको जो है आप बाहर छोड़ेंगे। तो टोटल जो ये प्रोसीजर है, ये मटेरियल इन मतलब गाड़ी सामान अगर कुछ अंदर आता है तो उसके लिए आप इसके अनुसार जो है आप कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मटेरियल इन रजिस्टर मेंटेन होता है और उसमें क्या क्या कॉलम्स होता है, तो उसके ऊपर पूरा जो जानकारी है मैं अभी दूंगा। और मैं आपको अभी लेके चलूंगा मेरा कंप्यूटर स्क्रीन में। तो दोस्तों ये कंप्यूटर स्क्रीन आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है मटेरियल इन रजिस्टर, जबकि ये मान लीजिए एक पेज है। तो ये पेज के ऊपर यहाँ पे नहीं लिखते हैं मटेरियल इन रजिस्टर, ये लिखते हैं जो कि जो रजिस्टर है उसके ऊपर ही इसको लिखा रहता है जो मटेरियल इन रजिस्टर। तो रजिस्टर में क्या क्या कॉलम्स होता है मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पहला जो है ये सीरियल नंबर है, दूसरा जो है परचेज ऑर्डर मतलब जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं इस जो सामान मंगा रहा है तो उसके लिए कोई ऑर्डर तो होगा जरूर, तो उस चालान में वो परचेज ऑर्डर नंबर भी लिखा होता है। तो वो परचेज ऑर्डर नंबर आप लिखेंगे, उसका डेट भी आप लिखेंगे, देन व्हीकल नंबर्स मतलब कब परचेज की ऑर्डर जो परचेज ऑर्डर निकला था उसका डेट भी होगा, उसका डेट भी लिखेंगे। उसके बाद जो है व्हीकल नंबर, कौन सा गाड़ी में सामान आया और किस कंपनी से आया उसका नाम विथ एड्रेस मतलब ये एड्रेस कॉलम है। देन चालान नंबर आप देख रहे हैं, ये चालान नंबर बहुत ज़रूरी है, चालान नंबर के साथ ये डेट है, चालान का जो डेट वो डेट आपको लिखना पड़ेगा। देन आइटम फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मतलब आइटम नेम्स मैंने लिखा है, तो ये जो है आपको फुल डिस्क्रिप्शन मतलब आइटम कौन सा आइटम है और कितना क्वांटिटी है मतलब उसका क्या क्या कितना है वो भी क्वांटिटी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है ड्राइवर नेम एंड मोबाइल नंबर मतलब जो कि सामान लेकर आया उस जो ड्राइवर है उनका नाम एंड उनका मोबाइल नंबर, साथ में एड्रेस भी मतलब आप देख सकते हैं। देन उस टाइम इन मतलब कितने बजे वो गाड़ी लेके अंदर गया और कितने बजे गाड़ी बाहर गया, उसके बाद जो है ड्राइवर सिग्नेचर और देन सिक्योरिटी सिग्नेचर। तो ये टोटल जो कॉलम है आप मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ, सीरियल नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर, डेट, व्हीकल नंबर, देन कंपनी नेम, एड्रेस, देन चालान नंबर, डेट, आइटम नंबर सॉरी आइटम नेम, देन क्वांटिटी मतलब कितने क्वांटिटी है, देन ड्राइवर्स नेम एंड मोबाइल नंबर ज़रूरी है। तो ड्राइवर नाम एंड मोबाइल नंबर ये बिल्कुल मतलब कहना ये इम्पॉर्टेंट है। देन टाइम इन एंड टाइम आउट मतलब किस टाइम अंदर गया, किस टाइम आप उसको बाहर छोड़ा, देन ड्राइवर सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी सिग्नेचर। तो ये जो रजिस्टर है ये बिल्कुल मतलब इसमें ये सारे जो कॉलम्स है आपको बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये सारा जो है आपको मतलब अगर कोई कोई कंपनी में हो सकता है कि परचेस ऑर्डर नंबर नहीं होगा, केवल मतलब डेट, व्हीकल नंबर, सीरियल नंबर, डेट, व्हीकल नंबर, कंपनी नेम, एड्रेस, ये सारे होंगे। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो कंपनी चाहते हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, उन्होंने क्या मतलब ये करते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट है आप इसी को मतलब कहना है एक सही फॉर्मेट जो है यही है। तो इसको मतलब कहना आप इसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आपको बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में उस डाउट को आप लिख सकते हैं।
मैं उस डाउट्स को आपको क्लियर करूंगा। तो ज़रूर दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आप इस जानकारी को शेयर कीजिए, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन मतलब घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं पढ़ लें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।